हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपके साथ। क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ हिमालय लिमिटेड। तो इस बार जो क्वेश्चन हमें गिवन है कंपैरेटिवली पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी यहां पर हमें आइटम्स ढूंढनी पड़ेंगी। पहले तो क्या होता था, क्वेश्चन खुद निकाल कर दे रहा था ज्यादातर चीजें, अब हमें ढूंढना है। पूरी बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास, बैलेंस शीट दी है, साथ में उसके साथ में आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी दिए हुए हैं, यानी आइटम बैलेंस शीट में जो चीजें हैं उनकी डिटेल दी हुई हैं, हमें उन डिटेल्स को भी देखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट है, नीचे नोट्स दिए हुए हैं चार, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी चीजों को डिसाइड करने में, इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने में। चलिए जी, तो स्टार्ट करें। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, ये देखें, इन्होंने बैलेंस शीट दे दी, और अच्छा सॉरी लिखा ही है यहीं पर शुरू में लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो बताना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो कितना आया। चलिए जी, तो मैंने फॉर्मेट बना रखा है। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, आपको याद हो तो, सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्योंकि बैलेंस शीट दी है, तो बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में जाना पड़ेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो तो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास प्रीवियस ईयर में 80,000 का बैलेंस था रिजर्व एंड सरप्लस का, इस बार इंक्रीज होकर 1,70,000 हो गया। अब इसके लिए नोट दिया हुआ है, नोट नंबर 1 जहां पे देता है वो कि जनरल रिजर्व 1,00,000 का था, अब 1,20,000 का हो गया, यानी 20,000 हमने प्रॉफिट में से ट्रांसफर किए होंगे जनरल रिजर्व में। और पीएनएल का बैलेंस पिछली बार -20,000 का था, इस बार 50,000 का है, यानी इस बार पीएनएल में भी, पीएनएल से हमने बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर किए होंगे, 70,000। तो अगर हम देखें तो हमें यहां निकालना है पीबीटी, तो ये वर्किंग नोट बना लेते हैं यहां पे, एक वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी। पीबीटी की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले तो जो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया है पीएनएल का पार्ट जो आपने कितना किया है, 70,000। ये बच्चों को डाउट आता है 70 कैसे बना होगा, आप खुद सोचो, कोई यहां पर चीज है एक्स, एक्स में कोई चीज प्लस हुई है, ठीक है, तो कितना प्लस हुआ है, और शुरू में एक्स नहीं मान लेता हूं मैं, एक्स को प्लस कर लेता हूं, और शुरू में था ये नेगेटिव का 20,000, 20,000 में कुछ चीज प्लस करो तब जाके आपके पास 50,000 आ रहा है, तो कितना प्लस किया होगा आपने, 70,000। ये एक्स क्या आ गया जी, 70,000 है, ठीक है। तो आपने कितना ट्रांसफर किया है पीएनएल से बैलेंस शीट में, 70,000। तो एक तो ट्रांसफर आ गया, दूसरा आप जिन जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी हुआ था पीएनएल से, तो वो कितना था आपका, 20,000 रुपीज का। तो ये दोनों आ गए हमारे पास। इसके अलावा और कुछ चीजें देख ले, टैक्स वगैरह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या बन गया, पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000, ठीक है, 90,000 आ गया। इसे लिख लेते हैं यहां पर 90,000 रुपीज, और ये वर्किंग नोट नंबर का रेफरेंस दे सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1। चलिए जी, पहला काम हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जब आपके पास पूरी बैलेंस शीट होती है तो आपको स्टेप वाइज काम करना है, या तो, या फिर आप सारी चीजों के फॉर्मेट लिख लीजिए चीजों को, और फिर वन बाय वन कीजिए, ठीक है। तो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूं, मुझे करना है एडजस्टमेंट, प्लस माइनस करना है, यानी एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है, मुझे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को का इंपैक्ट हटाना है यहां पर इस प्रॉफिट में से। तो आइए जी देखें, ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल में देखो कुछ भी नहीं है, वर्किंग नोट भी नहीं दे रखा है इसका कोई, 3,00,000 से 4,00,000 हुई है, 1,00,000 आया है फाइनेंसिंग का इनफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना ही नहीं है तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑपरेटिंग दिखाना है। रिजर्व एंड सरप्लस को आप ट्रीट कर चुके हैं तो इसको भी भूल जाओ। उसके बाद आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज 1,00,000 से 1,50,000 हो गई है, यानी 50,000 का इनफ्लो आया है, नॉन करंट लायबिलिटी है, पैसा आया है फाइनेंसिंग का, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की है ना आपने, ये बोरोइंग की है, पैसा आया बिजनेस को चलाने के लिए, तो 50,000 जो है वो इनफ्लो तो है बट फाइनेंसिंग का, इसलिए यहां नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको अगर देखें नोट नंबर 2 दे रखा है इन्होंने कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 9% डिबेंचर है, ये मुझे कैसे पता चला, उसने बोला हुआ है कि डिबेंचर है आपके भाई, ठीक है। अब ये डिबेंचर 9% डिबेंचर्स हैं, अब देखिए आपकी फाइनेंसिंग के कारण, आपके डिबेंचर इश्यू करने के कारण आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये इंटरेस्ट किस पर दें, 1,00,000 पर दें या 1,50,000 पर, सर क्यों बात कर रहे हो इंटरेस्ट की, क्योंकि
ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आपने पीएनएल में इंटरेस्ट माइनस किया होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब वो माइनस किया होगा उसे हटाना पड़ेगा, यानी प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आप समझ गए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्यों रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सर 1 लाख पर या 1,50,000 पर। जी देखिए, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, एक नोट दे दीजिएगा, 1 लाख भी दे सकते हैं, 1,50,000 भी दे सकते हैं। 1 लाख लेने वाले क्या अजम्पशन देंगे कि जो 50,000 का एक्स्ट्रा डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं वो ईयर एंड पर हुए हैं, और 1,50,000 वाले क्या अजम्पशन लेंगे कि जो 50,000 एडिशनल आ गए वो ईयर के बिगनिंग में इश्यू होगा, यानी पूरे 1.5 लाख पर ब्याज देना पड़ेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में कहीं कुछ कहा है क्या। हाँ जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहा है कि जो एडिशनल डिबेंचर्स इश्यू हुए हैं वो 1 अप्रैल 2017 को ही होगा, यानी बिगनिंग ऑफ ईयर पे हुए हैं, तो बिगनिंग में ही हो गए तो पूरे 1.5 लाख पर ब्याज देना पड़ेगा। आइए निकाल लें, 1,50,000 पर 9% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा जी। 9% इंटरेस्ट मुझे बताइए कितना, 13,500, ठीक है 13,500 मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद देखें अगली चीज, ट्रेड पेबल, तो ये तो मुझे करंट वो वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखाने हैं, 2 मिनट बाद देखेंगे इसे। फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट में 3,30,000 से 5,50,000 हो गया, और वर्किंग नोट नंबर दे रखा है 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में देखें मशीनरी है जी फिक्स एसेट में, और डेप्रिसिएशन दे रखा है। अब डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, पीएनएल में माइनस हुआ था, नॉन कैश है, तो और उसका इंपैक्ट हटाने के लिए क्या करो, प्लस कर दो, प्लस करो डेप्रिसिएशन। पूरा नाम लिखना चाहे तो पूरा नाम लिखिएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 1,10,000 से 1,50,000 हो गया, यानी कितना डेप्रिसिएशन और लगा होगा इस बार, 40,000 का, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन ऐड कर लिया हमने। इसके बाद देखें हम लोग अगला हमारे पास क्या है, हमने फिक्स एसेट कर लिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पर आते हैं। सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो आपके एसेट्स हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिल्कुल है। इन्वेस्टिंग का क्या है, अगर देखें तो ये 40 से 50 हो गए, यानी आपने और खरीदे होंगे, ये आउटफ्लो हुआ होगा। चलिए एक तो ये हो गया जो आउटफ्लो हुआ होगा, यानी वो इन्वेस्टिंग का है, बट सर इस पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला होगा, देख लेते हैं मिला होगा क्या, कुछ दे रखा है इंट क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का नोट नंबर 4 दे रखा है, रेट ऑन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 8% पर एनम। सर चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला होगा, वो हमारा ऑपरेटिंग नहीं था, पीएनएल में ऐड है, उसे हटा देंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल हटा देंगे, देखिए माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हटाना है। सर कितना हटाएं, क्या 40,000 की इन्वेस्ट, जो 40,000 के बाद जो एक्स्ट्रा 10,000 हुआ है, 10,000 जो इन्वेस्ट हुआ है कब हुआ है, ईयर के बिगनिंग में हुआ है, एंड में हुआ है, कुछ नहीं कहा तो आपकी एजम्पशन है, कुछ भी ले लो, बस नोट दे देना कि ठीक है। अगर कुछ कहा है तो जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे मानेंगे, तो क्वेश्चन ने कहा हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आओ, कहा है एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन अप्रैल 2001, ठीक है, सॉरी 1 अप्रैल 2017 को, यानी बिगिनिंग ऑफ ईयर में, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर में इन्वेस्टमेंट हो गई, तो यानी पूरी 50,000 40 प्लस 10 की इन्वेस्टमेंट पर आपको पूरा ब्याज मिलेगा। आइए 50,000 पर 8% इंटरेस्ट निकाल लें पूरे साल भर का, पर एनम का है, तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, ये आ जाएगा 4,000 रुपए पर, ये माइनस होगा, ठीक है। चलिए जी हमने ये भी कर लिया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है जो कि वर्किंग कैपिटल चेंज का पार्ट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग में आता ही नहीं है क्योंकि खुद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। चलिए जी और देख ले, नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ छूट तो नहीं गया, और तो कुछ नहीं छूटा जी। चलिए तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में चेंजेस से पहले का ये प्रॉफिट है, ठीक है। चलिए जी कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना अमाउंट है, 90,000 प्लस का है, 13,500 प्लस का है, 40,000 प्लस का है, 4,000 केवल माइनस का है, तो कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं, 1,39,500, 1,39,500। अब क्या करना है, अगला काम करना है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करना। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की बात करें तो बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड में तो कुछ भी नहीं है, हाँ नॉन करंट लायबिलिटीज में भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज में आ जाइए, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 60,000 से 40,000 हो गए, पेमेंट की होगी तभी तो रिड्यूस हुए हैं, तो पेमेंट की होगी तो पैसा गया होगा, माइनस करो, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज हुआ है जी 20,000 रुपए का, 60 से 40 हुए हैं ना,
तो माइनस कर दिया। इसके बाद देखें, इसके बाद एसेट साइड में आओ, नॉन करंट एसेट में कोई लेना देना नहीं है, करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल ये 1,14,000 से 83,000 के हो गए, पैसा रियलाइज हो गया होगा, यानी आपकी करंट एसेट डिक्रीज हुई है, तो इसे भी इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज हो गए कितने 83 और 1,14,000 का डिफरेंस बताओ जी जरा कितना है, मैं वेट कर रहा हूं, बताइए कितना बता रहे हैं आप लोग, कितना 31,000, ठीक है 31,000 रुपीज तो ऐड कर दिया हमने। अच्छा और कुछ है नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहां आएगा नहीं क्योंकि वो अलग से दिखाया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास यही क्या आ गया, ये आ गया जी हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड। अब टैक्स पेड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नील, ये कितना आ गया जरा 1,39,000 में से 20,000 माइनस करो और 31,000 प्लस करो, या फिर 11,000 नेट नेट ऐड कर लो, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं ना, चलिए तो मुझे बताइए कितना आएगा, कितना बता रहे हैं 1,50,500, 1,50,500, ठीक है जी, टैक्स पेड कुछ है नहीं तो इसी को क्या कह देंगे आप जी, इसी को कह देंगे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी, इसी को कह दिया हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी 1,50,500 रुपीज। चलिए मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा छोटा करूं, हाँ जी अब आपकी स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिख रहा है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है कि हमने कोई एडजस्टमेंट किया है, उसके पीछे जो रीजन और लॉजिक था वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें पूछ सकते हैं दोबारा भी, कोई इश्यू नहीं है, बट कोशिश कीजिए आप उसके पीछे के रीजन को समझ लीजिए, क्योंकि चीजें एडजस्ट तभी कर पाएंगे आप एग्जाम में या खुद से जब आपको उसके पीछे का कारण पता होगा, प्लस कर दो माइनस कर दो से कोई फायदा नहीं है, क्यों किया वो इंपॉर्टेंट है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।